अब खबर सवाईपुर से। बरलियास क्षेत्र के गडरियों का झोपड़ियों सुरास में बुधवार दोपहर को शादी समारोह में खाना खाने के बाद शाम को तकरीबन 300 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जैसे जैसे शाम ढली, लोगों का जमावड़ा चिकित्सालय में होने लगा। लोग उल्टी, दस्त व पेट दर्द की शिकायत लिए चिकित्सालय पहुंचे। इतने सारे लोगों की एक साथ तबीयत बिगड़ने पर प्रशासनिक अमला व चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच गए। मामला फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है। बरलियास कस्बे के निकट गाड़ियों के झोपड़िए सुरास में कल बुधवार को मांगीलाल पिता मोहन धाकर के घर पे उनके पुत्र सुरेश की शादी समारोह में स्नेह भोज का आयोजन किया गया। दोपहर को हजारों लोगों का भोजन का आयोजन हुआ। भोजन करने पहुंचे मेहमानों की अचानक एक के बाद एक तबीयत बिगड़ने लगी। शादी समारोह में शामिल होने आए लोगों की उल्टी, दस्त व पेट दर्द की शिकायत होने लगी। सूचना पर मांडलगढ़ चिकित्सा विभाग की टीम गांव में पहुंची और लोगों का उपचार में जुट गया तथा बरलियास चिकित्सालय में भी लोगों की जमावड़ा देखने को मिला। तकरीबन 300 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो चुके हैं। सभी का हालत में अभी सुधार है। सूचना पर मांडलगढ़ पूर्व विधायक विवेक धाकर, मांडलगढ़ डिप्टी ज्ञानेंद्र सिंह, कोटरी तहसीलदार राम सिंह गुर्जर, बरलियास थाना प्रभारी राजेंद्र, बिगोद थाना प्रभारी ठाका राम सहित आसपास के चिकित्सालय की टीमें वहां पहुंची। चिकित्सा विभाग व पुलिस की टीम शेष बचे भोजन को नष्ट कराया उन्होंने।